आज की हमारी इस ऑनलाइन की पहली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में कि एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है क्योंकि आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहे थे। जब पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं आज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख ले ताकि आगे चल के डेटा और बाकी चीजों पे उसकी कैलकुलेशन को कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, मतलब कि बी टी थ्री में 20 वैल्यू है और सी थ्री में 20 है। तो हम इक्वल से किसी भी तरह की कैलकुलेशन फॉर्मूले को इक्वल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 प्लस 30 मैनुअल भी लिख सकता हूँ, मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, या फिर हम इसको इसकी रेफरेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं 20 प्लस 30। अब इसमें क्या होगा कि यहां से जैसे मैं यहाँ पे 40 करूंगा तो ये अपने आप को अपडेट करेगा, ये अपडेट नहीं करेगा। ये तो चलो ठीक है, इसलिए हम रेफरेंसेस को यूज इसलिए करते हैं। B3 मतलब कि बी और थ्री, बी नंबर रो एंड थ्री नंबर कॉलम, सॉरी बी नंबर कॉलम और थ्री नंबर रो। तो एक होता है कि आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा लिया, इसमें कि प्लस कर दिया आपने, या दूसरा आपने इनबिल्ट फॉर्मूला जैसे कि सम इसका इस्तेमाल किया। अब देखिए जो इनबिल्ट फॉर्मूला आप सम है जिसका हमने इस्तेमाल किया है लिमिटेड है, ये हमारे पास लिमिटेड है। आपको जिस तरह की कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए वो फॉर्मूला होगा तभी आप करेंगे ना। लेकिन ऐसा ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कैलकुलेशन ऐसे हो जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 है, तो क्वार्टर 1 में मेरे पास मान लीजिए कि 20 सेल है, क्वार्टर 2 में हमारा 25 है। सो आई वांट टू कैलकुलेट द ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, है भी तो पता नहीं, 10 नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसको मैथमेटिकल स्किल्स को अपनाएंगे। तो मैथमेटिक्स कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मूला लगा दिया लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब सुमित जी क्या यह फॉर्मूला एंटर मारने पे रिजल्ट देगा? सुमित जी हेलो बोला कि एंटर प्रेस करने पे क्या रिजल्ट देगा? नहीं, क्यों? क्यों रिजल्ट नहीं देगा सर? एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 किया आपने और स्लैश कर दिया आपने, B6 हो गया। नहीं, एक मिनट एक मिनट, हमने बोला लेटेस्ट मतलब कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाय क्वार्टर 1। अमीन जी क्या लग रहा है आपको कि रिजल्ट मेरा सही देगा? देगा जी आएगी रिजल्ट सही नहीं देगा, आप लोगों की मैथमेटिक्स बहुत वीक है। हमने यहाँ पे बोर्ड मास मेथड कैलकुलेशन सीक्वेंस को नहीं अपनाया। कैलकुलेशन सीक्वेंस करता है क्या करता है कि फर्स्ट डिवाइड सेकेंड माइनस, तो क्या होगा B6 डिवाइड बाई B6 माइनस C6 आ जाएगा, रिजल्ट 24 जो कि गलत है। तो याद रखिएगा जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन करें एक्सेल में तो उसको ब्रैकेट्स में लेना ना भूले। हमने लिख दिया C6 माइनस B6 डिवाइड बाई B6, अब रिजल्ट का परसेंटेज आएगा 0.25
और इसके ऊपर परसेंटेज का सैंपल जैसे अप्लाई करेंगे ये मेरा 25% आ जाएगा। ओके अब परसेंटेज की हमने बात की थी, परसेंटेज को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहां मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 20% लिखना है तो 20% का सिंबल लगा दिया तो दैट 20% टाइप हो गया, बट आपने यहाँ पे 20 लिखा और इसके ऊपर परसेंटेज लगाया 2000% हो जाए। मतलब कि आपको बाद में परसेंटेज लगाना है तो यहाँ पे 0.20 लिखें उसके बाद इसके ऊपर परसेंटेज लगाएं। क्या होता है कि सिस्टम में आप एक्सेल में 1 = 100% होता है, 1 = 100%, तो इस चीज का ध्यान आप रखेंगे। मतलब किसी के परसेंटेज निकालनी हो आपको, जैसे मैं मान लीजिए कि 500 का मुझे 30% निकालना है तो दोनों में जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिक क्या कहता है, 500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 इसलिए किया जाता था कि 30 होता था, 0.30 नहीं होता था, बट एक्सेल में 30% दिख रहा है लेकिन इसकी फॉर्मेट को अगर आप जनरल करें तो 0.30 ही दिखेगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता है। यहाँ पे मान लीजिए ना कि 800 का पेपर था, यहाँ पे 800 का पेपर था और 632 नंबर आया, कितना परसेंट आया, तो 632 अचीव्ड डिवाइड बाय फ्रॉम द जे, आपके पास आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और इसी पे आप परसेंटेज लगा इसका यूज कर सकते हैं। तो परसेंटेज से वापस आते हैं कि हमने ग्रोथ लगाया। अब चलिए इस तरह की और कैलकुलेशन करते हैं हम। मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट निकालना है, ये निकालना है, हाँ इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम आपके पास है। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 रुपीज आपने 7 रुपए इंटरेस्ट रेट पे 3 सालों के लिया है, तो इसका अमाउंट क्या होगा। आप बोलोगे सर इसके लिए हमारे पास एक्सेल में तो फॉर्मूला होंगे, तो फॉर्मूला क्यों लगाए। तो बहुत सारे लोग फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला नहीं लगाते, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कैलकुलेशन में, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले है उसका यूज ना करके हम मैथमेटिकल फॉर्मूले को इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला में यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि पी मतलब अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1+r डिवाइड बाई n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करना चाहता हूं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम ये है कि यहां देखिए p मल्टीप्लाई बाई 1+r डिवाइड बाई n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n है, राइट। चीज सारी मल्टीप्लीकेशन एक सेल में कैसे करेंगे, जरूरी भी नहीं है। अब यहाँ पे एक नई चीज देखें, आगे चल के जब मैं कोर्स कराऊंगा उसमें बड़े बड़े फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा, तो बड़े बड़े फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं वो यहाँ आप देखिए कैलकुलेशन में। तो मैं 1 by 1 करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ r divided by n मतलब 12, मतलब ये मंथली है तो 12 हो गया, रिजल्ट आ गए। फिर यहाँ पे आता है इक्वल टू 1+r/n, अब यहाँ पे हो गया 1+r/n हो गया। अब आता है टाइम मल्टीप्लाई बाई एन, तो टाइम को मल्टीप्लाई बाई 12 से कर दिया।
अब इन दोनों का पावर निकालना है, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं इस पर एक बार जान लीजिए। माइनस होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद इसमें आपका डिवाइड होता है, एक होता है हमारा पावर। संतोष जी मैंने आपको म्यूट किया है, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था, पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। पावर होता है, तो मुझे इसका और इसका पावर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे D4 को एंड पावर 36 को ले लेते हैं, और आफ्टर दैट फिर मैं इसको P से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। बट प्रॉब्लम यह है कि जो रिजल्ट आया है वो कई सारे सेल्स में अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद आया, बट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इन द वन सेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, जैसे जब भी आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन आपके पास है तो पहले उसको स्प्लिट कर दो, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में कैलकुलेट करो, जब आपका रिजल्ट फाइनल आ जाए, फॉर्मूला वेरीफाई हो जाए, देन उसके बाद उसको आप कॉपी पेस्ट करना शुरू करें। तो जैसे कि यहाँ देखिए इसका एड्रेस क्या है, ये है 1+C14। C14 क्या है, C कॉलर एंड 14 नंबर रो। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी C14 पे गया और C14 का फॉर्मूला इक्वल के बाद से सिलेक्ट किया और उसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और यहाँ जहाँ C14 है वहां पे पेस्ट करेंगे। बट पेस्ट करने से पहले इसको ब्रैकेट में जरूर पेस्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास मेथड को यहाँ करना है, हमने ही कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा मैंने कि आपका D14 पावर ऑफ E14 है, तो फिर मैं D14 पे गया और D14 के फॉर्मूला को सिलेक्ट किया एंड कॉपी किया, और जहां D14 था उसके जगह डिलीट करके मैं ब्रैकेट में इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। फिर वापस मैं E14 को कॉपी किया, E14 के फॉर्मूले को कॉपी किया, और जहां E14 है वहां हमने उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट अब यहां पे आते हैं, ये आपका B10 मल्टीप्लाई बाय F14। B10 तो फिक्स है हमारा, क्योंकि वो इनपुट है, और यहां हमने F14 को यहां से पेस्ट कर दिया मल्टीप्लाई कर। लेकिन रिजल्ट मुझे यहां नहीं चाहिए, रिजल्ट हमें यहां चाहिए, यहां। तो आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, कट कीजिएगा, कंट्रोल एक्स कट करके यहाँ इसको मूव कर देता हूँ। अब बाकी इसको डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपका कैलकुलेशन हो गया। तो मैं अगर 75,000 रुपए डालू, एंटर मारो, तो ये हमारा अमाउंट दिखा दे रहा है। तो अब आप लोग इसमें से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये कौन सी बड़ी तोप हो गई, ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे, इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। तो अगला एग्जांपल हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। मेरे पास किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मेरे पास किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है, और मुझे इस यहां 50 रुपीज है, और मुझे इस कॉस्ट का एमआरपी निकालना है। संतोष जी प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक को, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कीजिए। प्रदीप जी आप एक सेशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला था आपको Alt+R प्रेस करके सेशन को इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, Alt+R। और मुकेश जी आपने भी नहीं किया है, अब यहां पे कैसे करें MRP? तो MRP की मैनुअल कैलकुलेशन होती है कि मैं यहां 50 का 5% मैन्युफैक्चरर अपना निकालता है और अपने खरीद पे
प्लस करके वो सेल कर देता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने खरीद के ऊपर 10% का कमीशन लेता है और किसको दे देता है, होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, होलसेलर क्या करता है कि अपने खरीद का वो 15% ऐड, सॉरी मल्टीप्लाई करना भूल गया, 15% ऐड करता है और दे देता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है, इससे 66 रुपए में खरीदा और उस पर वो अपना 20% का प्रॉफिट ऐड करता है मार्जिन और फिर इसको जोड़ देता है, तो फाइनली 79 रुपए। तो यहां पे मैंने क्या किया, अब इसको एक सेल में जैसे यहां पे हमने किया ऐसे यहां करना है, तो सिंपल तरीका वही है, कॉपी एंड पेस्ट। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां हमने हमारा जो C17 है उसको पेस्ट करते हैं। कॉपी करते हैं और यहां जहां पे C18 है, सी कॉलम 18 नंबर रो, उसको डिलीट करेंगे। ध्यान रखिएगा हम ब्रैकेट में लेके पेस्ट करेंगे और यहां भी C18 है तो यहां पे हमने ब्रैकेट में लिया और इसको C18 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते समय देखिएगा कि आपका रिजल्ट चेंज तो नहीं हो रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा मतलब कहीं पे आपने गलती कर दी है तो कंट्रोल जेड कीजिए और दोबारा से जहां से गलती हुई है वहां से आगे बढ़िए। तो कॉपी किया वापस D17, मतलब कि ये D17 है D17, तो D17 के जगह पे मैं D17 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। तो वापस हम यहां से कॉपी करते हैं और यहां जहां D18 है उस D18 के जगह पे फॉर्मूला पेश कर देता हूं और यहां भी D18 है। तो प्रणीत जी, सुमित जी और मुकेश जी, समझ में आ रहा है ना आपको सर, ऐसा नहीं सर के ऊपर से निकल रहा है? नहीं नहीं सर ठीक है, आ रहा है आ रहा है। इसके जगह पे इसका फॉर्मूला आप पेस्ट कर दे रहे हैं और फिर ऊपर के फॉर्मूला को भी कॉपी करके यहाँ E17 पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर वापस हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ भी E18 है सॉरी कॉपी करना भूल गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ F17 पे पेस्ट करते हैं, राइट। तो फाइनल देखिए किसी और से अब लिंक नहीं है। अब मैं इस फॉर्मूला को यहां से कट कर रहा हूं
और यहाँ पे इसका था। मुकेश जी क्या लगता है इतना बड़ा फॉर्मूला आप लिख पाते हैं? मुकेश हाँ जी जी, हाँ बताएं। लिख पाते हैं आप? हाँ सुन, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फार्मूला के जहाँ पे जिस रो को लिखा हुआ है वाले फार्मूला को कॉपी करके ऐड ऑन कर रहे हैं। हाँ मैं कहने के इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में देता है या फिर आगे चल के जैसे बहुत नेस्टेड इफ हो गया, इफ वी लुकअप हो गया, जो बड़े बड़े फॉर्मूला और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखते हैं, देखते होंगे 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में को इसी तरह से बनाया जाता है। राइट सर, ये बताने का पर्पस यही था हमारा। ओके लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। एक कैलकुलेशन था क्योंकि तो आगे चल के जो क्लासेस में हम कैलकुलेशन करेंगे और भी चीजों पे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे किया जाता है ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन हमारा है, वो अगला ऑप्शन ऑप्शन है हमारा मेथड सॉरी अगला मेथड हमारा यह है कि रेफरेंसिंग मेथड, कि जो हमारा रेफरेंस है, जैसे आपने अभी डी A1 कर दिया, जैसे मान लीजिए मुझे A1+ चाहिए तो हम यहाँ पे A1+ लिख देते हैं या माउस से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो A1 जो हमने किया है हमारा सेम सीट का है, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे C2 का A1 चाहिए तो मुझे यहाँ पे खाली जाकर C2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा या तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं C2A1, तो अगर सेम सीट में अगर आप लगाते हैं तो सेम सीट है इसलिए आपको सीट नेम देने की जरूरत नहीं है, बट डिफरेंट सीट में है तो सीट नेम देने की जरूरत पड़ेगी बट फाइल नेम देने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर ये बात है हमारे कि हमारे पास कोई और फाइल है, जैसे मैं एक फाइल को यहां से ओपन करता हूं, अब मैं इस फाइल का A1 चाहता हूं, तो यहां पे इक्वल और फाइल का A1 यहां देख ले लिया, तो यहां पे देखिए फाइल नेम सीट एंड A1 दिख रहा है। अभी फाइल नेम में सिर्फ फाइल का नेम दिख रहा है क्योंकि फाइल का पाथ नहीं है, फाइल आपका ओपन है इसलिए फाइल का पाथ नहीं है। जैसे मैं फाइल को क्लोज करूंगा आप देखेंगे कि फाइल का पाथ भी यहां पे आ गया, कि फाइल का पाथ फाइल नेम सीट नेम और रेफरेंस। ये इसकी रेफरेंसिंग स्टाइल है कि आप इस तरह से इसकी रेफरेंसिंग करते हैं। और रेफरेंसिंग जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आप वैल्यू को लिंक कर सके मैनुअल, जैसे ऊपर में बताया दिखाया था आपको कि अगर मैं मैनुअली अगर सम कर देता हूं तो फिर वो अपडेट नहीं होता है, बट रेफरेंसेस अपडेट होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे एक चीज को और समझ लीजिए, कुछ नंबर्स मुझे सब में 20 ऐड करना है तो मैं इक्वल इसको जाऊंगा प्लस 20 कर दूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दे, तो नीचे की तरफ ड्रैग करने से क्या होता है कि मेरा रेफरेंसेस इंक्रीज होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इंक्रीज होता है, एक बेनिफिट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं बोलता हूं कि D1 पे 20 लिखा हुआ है, मुझे हर किसी में D1 की वैल्यू ऐड करनी है, तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे प्लस D1। अब नीचे हम ड्रैग करते हैं तो D1 हमारा D2 हो जाएगा जो कि गलत है, हमें सब में D1 रखना है। तो आप अपनी वैल्यू को अपने रेफरेंस को अगर आप सलूट करना चाहते हो, मतलब कि वो इंक्रीज ना करवाना चाहते हैं, रो नहीं करवाना चाहते हैं तो रो के आगे डॉलर लगा दीजिए, कॉलम नहीं करवाना चाहते कॉलम का आगे करवा दीजिए, तो जो जिसको नहीं करना है उस पर कर दीजिए। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरा डी हमारा फिक्स हो जाएगा, सब में D1 है, ये हमारा डॉलर साइन होता है।
इस पे हम आगे चल के आपको जो है डिटेल्स में समझाएंगे, क्योंकि फिलहाल आपको जस्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने। तो सर अभी नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, आज रहने देते हैं, आप जो डाउट हो रहा होगा मुझे फोन कर। और प्लीज रिक्वेस्ट है संतोष जी, क्लास में हेडफोन इस्तेमाल किया करें। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। सर अगर रेफरेंसिंग में सीट का लोकेशन चेंज हो रहा है तो, अगर पाथ चेंज हो रहा है तो क्या